आपको उपमा बताने जा रही हूँ। उपमा में के लिए मैंने सूजी ली है, ये मूंगफली सेक के रखी है, ये हरी मिर्च अदरक है, ये करी पत्ता है, ये नारियल भी हल्का सा सेक लिया है, नारियल पाउडर, ये प्याज, टमाटर, उड़द की दाल और चने की दाल जरा सी बस, और ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया है, ये जीरा, राई, मिर्ची और ये नमक, इसमें थोड़े से 5-7 दाने मेथी के हैं। अब मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है, इसमें मैं घी डालने जा रही हूँ। लगभग 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। इसको गर्म होते ही इसमें जो मैंने 5-4 दाने मेथी के डाले, अब मैं इसमें राई डालूंगी। राई तड़कनी चाहिए, जरा सा जीरा और अब प्याज। मैं अब इसमें जरा सी चने की दाल और उड़द की दाल भी सेक रही हूँ के साथ में, और करी लीव्स और हरी मिर्च अदरक जरा सा डाल दिया और इनको भी इसके साथ सेक के मैंने अब इसमें मिला दी। अब टमाटर मैं बाद में मिलाऊंगी, मैं अब डाल देती हूँ इसमें सूजी। मैं स्वाद अनुसार नमक मिला रही हूँ और लाल मिर्ची आधी चम्मच बस। अब इसमें थोड़ा नारियल जो मैंने सेक के रखा हुआ था वो मिला दिया, मूंगफली मिला दी जो सिकी हुई थी, और इसको चला के अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। तो पानी मिला रही हूँ, ये अब सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। ये तैयार है उपमा, इसको पुदीने की चटनी के साथ खाइए या आपकी मर्जी है सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इसकी मैंने गार्निशिंग हरी धनिया कर दी है। मैं अब नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आऊंगी आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।